हरे कृष्णा, आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे कार्तिक मास की कथा का अध्याय 3, जिसे कार्तिक मास या दामोदर मास में सुनने से श्री कृष्ण और राधा रानी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। व्यक्ति के सारे कष्ट दूर होते हैं, क्योंकि कार्तिक मास श्रीमती राधा रानी का सबसे प्रिय महीना है। आपसे प्रार्थना है कि ये कथा अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि अधूरी कथा सुनने से कथा सुनने का पूरा फल नहीं मिलता। और ये कथा शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट्स में दिल से जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। भगवान श्री कृष्ण इस कार्तिक मास की कथा को कार्तिक के महीने में सुन रहे सभी भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करें। तो आइए अब शुरू करते हैं कार्तिक मास की कथा अध्याय 3। तो प्रेम से बोलिए श्री गणेशाय नमः। पिछले दो अध्यायों यानी अध्याय 1 और अध्याय 2 में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी देवी सत्यभामा के पिछले जन्म का वर्णन किया और उसके माध्यम से ये बताया कि कार्तिक मास में व्रत और दीप दान की क्या महिमा होती है। कार्तिक मास में किए गए व्रत के प्रभाव से ही माता सत्यभामा द्वापर युग में श्री कृष्ण की मुख्य पत्नी और द्वारका की महारानी बनी। अब इस तीसरे अध्याय में माता सत्यभामा भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्णचंद्र से कार्तिक मास की संपूर्ण महिमा के ऊपर प्रश्न कर रही हैं। माता सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, आप तो सभी काल में व्यापक हैं और सभी काल आपके ही आगे एक समान है, फिर ये कार्तिक मास ही सभी मासों में श्रेष्ठ और आपको इतना प्रिय क्यों है? आप सभी तिथियों में एकादशी और सभी मासों में कार्तिक मास को ही अपना प्रिय क्यों कहते हैं? इसका कारण आप कृपा करके मुझे बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे भामिनी, तुमने बहुत ही अधिक अच्छा प्रश्न किया है, मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूँ, अतः इसे ध्यान पूर्वक सुनो। इसी प्रकार एक बार महाराज बेन के पुत्र राजा पृथु ने प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद से प्रश्न किया था और जिसका उत्तर देते हुए नारद जी ने उन्हें कार्तिक मास की असीम महिमा बताते हुए कहा कि हे राजन, एक समय शंख नाम का एक राक्षस बहुत ही अधिक बलवान एवं अत्याचारी हो गया था। उसके अत्याचारों से तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई। उस शंखासुर ने स्वर्ग में निवास करने वाले देवताओं पर विजय प्राप्त करके इंद्रादि देवताओं एवं लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। उससे भयभीत होकर समस्त देवता अपने परिवार के सदस्यों के साथ सुमेरु पर्वत की गुफाओं में बहुत दिनों तक छिपे रहे। तत्पश्चात वे निश्चिंत होकर सुमेरु पर्वत की गुफाओं में ही रहने लगे। उधर जब शंखासुर को इस बात का पता चलता है कि देवता आनंद पूर्वक सुमेरु पर्वत की गुफाओं में आज भी निवास कर रहे हैं, तो उसने सोचा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति अवश्य ही मौजूद है जिसके प्रभाव से अधिकारहीन ये देवता अभी तक बलवान और जीवित है। सोचते सोचते वो इस निर्णय पर पहुंचा कि वेद मंत्रों के बल के कारण ही सभी देवता आज भी बलवान और स्वस्थ हो रहे हैं। यदि इनसे वेद ही छीन लिए जाएं, तो ये बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार करके शंखासुर ब्रह्मा जी के सत्य लोक से शीघ्र ही वेदों को हर लाया। शंखासुर के द्वारा हरण कर ले जाते हुए भय से उसके चंगुल से सभी वेद निकल भागे और जल में जाकर समा गए। शंखासुर ने वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंढते हुए सागर में प्रवेश किया, परंतु ना तो उसको वेद मंत्र मिले और ना ही बीज मंत्र। जब शंखासुर सागर से निराश होकर वापस लौटा, तो उस समय ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सभी देवताओं के साथ भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में पहुंचे और भगवान श्री हरि विष्णु को गहरे निद्रा से जगाने के लिए गाने बजाने लगे और धूप गंध आदि से बारंबार उनका पूजन करने लगे। धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित किए जाने पर भगवान नारायण श्री हरि विष्णु की निद्रा टूटी और वह देवताओं सहित ब्रह्मा जी को अपना पूजन करते हुए देखकर अति प्रसन्न हुए तथा उन सब से कहने लगे, मैं आप लोगों के इस कीर्तन एवं मंगलाचरण से बहुत ही अधिक प्रसन्न हुआ हूँ। आप अपना अभीष्ट वरदान मांगिए, मैं अवश्य ही उसे प्रदान करूंगा। मेरे सम्मुख आया जीव कभी बिना वरदान लिए नहीं जाता। जो मनुष्य
आश्विन शुक्ल की एकादशी से देवोत्थान एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी पूजा करेंगे। उन्हें तुम्हारी ही भांति मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख की प्राप्ति होगी। आप लोग जो पाद्य अर्घ आचमन और जल आदि सामग्री मेरे लिए लाए हैं, वे अनंत गुणों वाली होकर आप सभी का कल्याण करेंगे। शंखासुर द्वारा हरे गए संपूर्ण वेद अभी जल में स्थित हैं। मैं सागर पुत्र शंखासुर का वध करके उन वेदों को निश्चित ही अभी लाई देता हूँ और आप सभी को भय मुक्त करता हूँ। आज से मंत्र बीज और वेदों सहित मैं प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करूँगा। अब मैं एक मत्स्य का रूप धारण करके जल में जाता हूँ। तुम सभी देवता भी मुनीश्वरों सहित मेरे साथ जल में आओ। इस कार्तिक मास में जो श्रेष्ठ मनुष्य प्रातः काल स्नान करते हैं, वे सभ्य यज्ञ के अव्रभृत स्नान द्वारा भली भांति नहा लेते हैं। हे देवेंद्र, कार्तिक मास में व्रत करने वालों को सब प्रकार से धन पुत्र पुत्री आदि देते रहना और उनकी सभी आपत्तियों से रक्षा करना। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम उनके धन धान्य की वृद्धि करना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला मनुष्य मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है और अंत में मेरे वैकुंठ धाम का वासी बनता है। जो मनुष्य जन्म से लेकर अंत तक विधि पूर्वक इस उत्तम व्रत का पालन करता है, वह आप लोगों का भी पूजनीय हो जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुम लोगों ने मुझे जगाया है, इसलिए ये तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रीतिदायिनी और माननीय है। हे देवताओं, ये दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से मनुष्य अवश्य ही मेरा असीम सानिध्य प्राप्त कर लेते हैं। इन व्रतों को करने से जो फल मिलता है, वह अन्य किसी व्रत से नहीं मिलता। अतः प्रत्येक मनुष्य को सुखी और निरोगी रहने के लिए कार्तिक महात्म्य और एकादशी की कथा सुनते हुए सभी नियमों का पालन करना चाहिए। वो सभी नियम जिनका वर्णन ऊपर मेरे द्वारा भली प्रकार से किया गया है। इसी के साथ कार्तिक मास की कार्तिक महात्म्य कथा का अध्याय 3 समाप्त हुआ। तो प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा। अब सुनिए कार्तिक मास में तुलसी देवी की आरती, जिसे सुने बिना कार्तिक मास की कथा पूरी नहीं मानी जाती। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर, रुज से रक्षा कर भव त्राता। जय जय तुलसी माता, बटु पुत्री है श्यामा, सुर बलि है ग्राम्या, मैया सुर बलि है ग्राम्या, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सोनर तर जाता। जय जय तुलसी माता, हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से वंदित, मैया त्रिभुवन से वंदित, पतित जनों की तारिणी, पतित जनों की तारिणी, तुम जग विख्याता। जय जय तुलसी माता, लेकर जन्म विजन्मी आई देव्य भवन में, मैया आई देव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से, मानव लोक तुम्ही से, सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता, हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण तुम्हारी, मैया श्याम वरण तुम्हारी, प्रेम जब है उनका, प्रेम जब है उनका, तुमसे कैसा नाता। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर, रुज से रक्षा कर भव त्राता। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण प्रिया वृंदावनेश्वरी श्री तुलसी महारानी की जय, श्री वृंदा महारानी की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, जय जय श्री राधे। अगर आपको ये व्रत कथा पसंद आई तो कार्तिक मास में इसे शेयर अवश्य करें
और ऐसे ही व्रत कथाओं को प्रतिदिन सुनने के लिए हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर ले। हम मिलेंगे आपसे कार्तिक माहात्म्य के अगले अध्याय में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।